कोनिच्छिगा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मेन नाम निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 43 की रेंशु एक्सरसाइज के बारे में। तो रेंशु एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है आपने वो सही करे हैं या नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर हम फटाफट से क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं मेन नाउन निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 43 की रेंशु एक्सरसाइज। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बनना था वो मैं आपको बताता हूँ, पिक्चर को देख करके आपको इस तरीके से बनाना। पहला था बोतान गा तोरे सोदेस, यानी कि जो सोदेस पैटर्न, अगर आपने 43 चैप्टर जो ग्रामर है वो देखा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि सोदेस का हम यूज कहाँ करते हैं। लेकिन अगर वो व्यूअर जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे विजिट विजिट कर रहे हैं और उन्हें सोदेस में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो हिंदी में पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको। 43 चैप्टर आप ऊपर जाकर आई बटन प्रेस करके वो देख सकते हैं। तो सोदेस होता है एक तरह से लुक्स लाइक, यानी कोई किसी चीज को देख करके अंदाजा लगाना। तो जैसे कि किसी का बटन निकल रहा है हल्का सा बाहर, तो हम कहें बोतान का तोरे सोदेस, यानी निकल सकता है कभी भी बटन। ठीक है, तो फर्स्ट तरीके से बनना था। सेकंड था इसमें हिमो का किरे सोदेस। तो एक पर्स है उसकी जो लाइक हम बोल सकते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं हम तनी, या फिर एक तरीके से उसको कैरी करने वाली जगह पे जो रस्सी होती है वो लग रहा है टूटने वाली है, तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं टूट सकती है। ठीक है, हो सकता है जल्दी टूट जाए। इसके बाद थर्ड है नाबेगा याकी सोदेस। अब देखो इसके अंदर जो थर्ड मैंने इमेज जो देखी है वो मुझे यही लग रहा है कि जो एक बर्तन है वो आई थिंक वो जल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से सोचा है, तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फोर्थ का आंसर जो है वो भी कुछ इस तरीके से की का तावरे सोदेस, यानी कि जो पेड़ है वो गिर सकता है, टूट सकता है। यहां तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है वो इस तरीके से बनना था, ईसु का कुआरे सो देस्कारा शूरी शीते इतदा के मासे इनका, मतलब जो कुर्सी है वो ऐसा लगता है कि वो टूट जाएगी, तो क्या आप उसे शूरी कर सकते हैं? ठीक है, पोलाइट वे, शूरी शीते इतदा के मासे इनका, क्या आप उसे रिपेयर कर सकते हैं क्या? ठीक है, सेकंड बनना था गासुरीन का नाकुनारी सो देस्कारा इरेते हुई तक दसा, तो जो गासुरीन है यानी कि गैस है वो खत्म, ऐसा लग रहा है कि खत्म हो जाएगी, तो आप उसे डलवा के रखिएगा पहले से। समझ में आया। थर्ड इसके अंदर बनना था आमे का फूरी सो देस्कारा कासा ओ मोते की माशो, लगता है बारिश होगी, अम्ब्रेला साथ लेके चलो। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ बनना था कोदोमो का उमारे सो देस्कारा सुगुताक्षीयो योंदे कुदासाई। ठीक है, तो मींस बेबी कभी भी हो सकता है, ऐसा लगता है कि बच्चा होगा, तो जल्दी से एक टैक्सी को जो है आप बुला लो। ठीक है, सेकंड में इस तरीके से बनना था। थर्ड का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से था कोतोशीवा क्यों एन योरी हयाकु साकुरा गा साकुसोदेस, साकुसोदेस होगा। ठीक है, तो इस साल जो है पिछले साल की कंपैरिजन में जो साकुरा है वो जल्दी खिलेगा, जल्दी खिलेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है। इसके बाद सेकंड देखो, मैं सोदेस के अंदर बता रहा हूँ, इसके अंदर कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसके अंदर हम बाहर के अपेयरेंस को जज करके अपने ही लाइक हम अपने ऑन क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कोई चीज सोच करके कोई चीज देख करके हमें लगता है ना कि ऐसा हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंस में सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम कोई भी सेंटेंस बोल दे और पीछे सोदेस लगा दे तो इट मींस ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम एक सेंटेंस बनाए जबरदस्ती का जिसके अंदर आप ये शो करें कि ऐसा लगता है इस वजह से ऐसा ऐसा हो सकता है, इस तरीके से सेंटेंस बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि इसमें हम कहें फर्स्ट वाले में, जैसे सिंपली मैं कहूँ क्योंन वा साकुरा गा हयाकु साकु सोदेस, तो लगता है इस साल जो फ्लावर जो साकुरा है वो जल्दी खिलेंगे। ठीक है, तो एक सिंपल वे में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। सेकंड था कोरे कारामो केकोन शिनाए हितोगा फुए सोदेस, तो कोरे कारामो अभी भी, या अभी से हम देखें तो अभी भी जो है शादी ना करने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ रही है या बढ़ेगी, ऐसा लगता है। ठीक है, तो जापान में ज्यादातर ये है, वहां पे लोग मैरिज नहीं करते। थर्ड कोतोशिनो नात्सुवा इश्युकान गुरा यासुमी का तोरे सोदेस, तो लगता है इस बार नात्सु की जो छुट्टी होगी नात्सु के टाइम पे, यानी कि समर के टाइम पे जो है इश्युकान गुराई लगभग एक वीक के लिए छुट्टी ले सकता हूं मैं, ऐसा हो सकता है, राइट। इसके बाद फोर्थ है कोतोशिवा कोमेनो निदान का अगारी सोदेस, तो लगता है इस बार जो है राइस के जो प्राइस है, प्राइस यानी कि चावल के जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक अंदाजा है, अब ये बिहाफ ऑन द बिहाफ ऑफ कोई भी
इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसके बिहाफ पे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो फर्स्ट है वो इस तरह से बनेगा, मीन्ना हमारी ताबे नाई इनोदे रियोरी का नोकोरी सोदेस। वो ज्यादा खाएंगे नहीं इसलिए जो रियोरी है वो बची रहेगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड था कोनो फूकू वा इरो मो डिजाइन मो ई नो दे उरे सो देस। सो ये ऊ पीछे चला गया है, बेसिकली इस जो कांजी है इस कांजी के ऊपर ऊ आना था, बट एनीवे आप इसे समझ लीजिएगा। उरे सो देस मीन्स ये जो कपड़ा है वो कलर में भी अच्छा है और इसकी डिजाइन भी काफी अच्छी है, तो ये बिक जाएगा, ठीक है। ऐसी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद क्यों, क्योंकि रीजन उसने खुद बता दिया, ठीक है। इसके बाद थर्ड है निशीनो निशीनो सोरा गा अकारुकु नात्तानो दे मोसुगु आमेगा यामी सोदेस। यानी कि वेस्ट साइड में अगर आप आसमान को देखोगे तो वहां पर ब्राइट हो गया, मतलब आसमान जो है ब्राइट हो गया। ब्राइट मींस कई बार ऐसा होता है ना, बारिश होती है फिर एक साइड से बादल खुल जाता है, तो वही वाला ब्राइट खुलने वाला, तो निशी यानी कि वेस्ट साइड में बादल खुल गया है तो जल्द ही बारिश रुक जाएगी। इसके बाद फोर्थ बनना था इसका शीरियो का ताक्षान अरुणोदय ई रिपोर्टो खाके सोदेस। यानी कि काफी सारा सफिशियंट डाटा है अपने पास, तो एक अच्छी रिपोर्ट जो है अब लिखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव का जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरीके से आत्सु सोदेस ने मादो आकेमा शोका। मीन्स गर्मी बहुत ज्यादा है, क्या मैं डू आई नीड टू गिव अ फेवर, क्या मैं आपको विंडो आपके लिए विंडो ओपन कर दूं क्या, क्या मैं आपको विंडो खोलने का एक फेवर दे दूं क्या, ठीक है। किसी को हेल्प ऑफर करना, शैल आई, आपने पढ़ा होगा मशोका वाला पैटर्न बहुत पहले के चैप्टर्स में। इसके बाद सेकंड है किबुनगा वारुसो दिस ने चुत्तो कुरुमाओ तो मैं मशोका। मीन्स मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो क्या जो गाड़ी है वो आप एक तरीके से फेवर देने के लिए, कि सपोज किबुनगा वारु दिस ने किसी की तबीयत खराब है तो मैं कहूँ मैं कर दूं क्या आपकी जो गाड़ी है उसे पाक, ठीक है। इसके बाद थर्ड है सोनो कवान वा ओमोसो दिसने ओमोची मशो का, आपका बैग बहुत भारी लग रहा है तो क्या मैं उठा दूं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है सामू सो दिसने दाम्बो के मशो का, ठंड बहुत ज्यादा है क्या हीटर ऑन कर दूं क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो फर्स्ट है वो जिस तरीके से सुजुकी सा हुआ शिगोतो का नाते हिमा सो दिस। मतलब सुजुकी सान के पास कोई काम नहीं है तो ऐसा लगता है कि वो फ्री है, पिक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड इसके बाद है कोनो नाइफ हुआ हसामी मो सुइते ते बेंडी सो दिस। अब इस नाइफ में जो है हसामी भी है साथ में कैंची भी है, तो ये काफी बेंडी है, कन्वीनियंट है। थर्ड है कारेवा तोमोदाची का नाकते साबिशी सो दिस। मतलब उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है तो वो एक बिल्कुल बिल्कुल लोनली है, बिल्कुल अकेला है, ठीक है, ऐसा लगता है बिल्कुल अकेला है। थर्ड के बाद फोर्थ इसमें था सुजुकी सान तेगामियो मोराते। सुजुकी सान वा या गा कुछ भी जो उसमें पार्टिकल्स वगैरह वो मिस कर दिए मैंने, सुजुकी सान वा तेगामियो मोराते उरेशी सो दिस। मतलब सुजुकी सान को जो है वो एक लेटर उन्हें मिला है तो ऐसा लगता है वो बहुत खुश है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन का जो फर्स्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा जो तो बासुनु जिकानो मिते की मस्कारा कोको दे माते तेकदासे। मैं अभी बस का टाइम पूछ के आता हूं, तब तक आप यहीं पर वेट कीजिए। सेकंड बनना था चोत्तो मीचियो की ते की मस्कारा कोको दे माते ते कुदासाई। मैं रास्ता जो है पूछ के आ रहा हूँ, तब तक आप यहीं पर वेट कीजिए। थर्ड था जूस वो खाते की मस्कारा कोको दे माते ते कुदासाई। मैं जूस जो है वो अभी खरीद के आता हूँ तो आप यहीं पर वेट कीजिए, ठीक है। फोर्थ चोत्तो कुरुमा ओ चूसा जोनी तोमे ते की मस्कारा कोको दे माते ते कुदासाई। तो मैं जो गाड़ी है उसे पार्किंग में खड़ी करके आता हूँ, पार्क करके आता हूँ, तब तक आप यहीं वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर एट का जो फर्स्ट है वो जिस तरीके से दोस्तान दिस का क्या हुआ हिन्ना कोएगा कि कोए तानो दे चुप्तो मिते की मास। कुछ अजीब सी आवाज आई है, जाके देख के आता हूँ, ठीक है। मिते की मास अभी जाके देख के आता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड दोको एक उन दिस का कहाँ जाओगे, आंसर वुड बी योजी गारुनो दे चुप्तो दिकाके ते की मास। सो मेरा एक प्लान है, मींस बोल सकते हैं मैंने किसी से प्रॉमिस कर रखा है, तो मैं बस जाके आता हूँ, ठीक है। थर्ड सित्सुमेशो इतादाके मासेंका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप दे सकते हैं क्या। सो
एक्सप्लेनेशन कह लो या फिर एक तरीके का सित्सु में शो मीन्स लाइक कुछ एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन टाइप एक कोई डॉक्यूमेंट टाइप बोल सकते हो। सो इचिमाई शिकानाई नो दे चोत्तो कॉपी शिते किमास। सो यहाँ पर एक चीज और थोड़ी गलती हो गई, किमास की कांजी का जो की है वो थोड़ा आगे चला गया। देखो इचिमाई शिका नाइन हो दे माने सिर्फ एक ही मेरे पास सेत्सु में शो है तो मुझे इसको कॉपी करके आना है। ठीक है, तो आप थोड़ा रुकिए, मैं जरा कॉपी करके आता हूँ। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है देकाकेरुन दिसका, निकल रहे हैं क्या। सो ए तोमोदाची का कुरुन उदे मुखाई नित्ते की मास, तो मेरा फ्रेंड जो है वो आ रहा है तो उसे मैं मिल के आता हूँ मुखाई नित्ते की मास। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से बनने थे क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो रेंज शू है उनको इस तरीके से मैं करना था करेक्टली और प्रॉपरली वे में। अब हम चलते हैं मोंदाई की तरफ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ मोंदाई की हम जब भी बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और साथ ही साथ फुक्शु के भी कुछ आंसर है जो मैं नहीं कराता। सो आई होप कि इन कमिंग वीडियोज में आपको फुक्शु को भी एड करा के दूंगा, बट वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर्पज के लिए, क्योंकि अगर सारी चीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो फिर आप ये चेक नहीं कर पाओगे कि आपने गलत क्या किया। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोंदाई का जो चोक्काई के सेकंड वाला जो आंसर्स क्वेश्चन है जिसके अंदर हम मारू और बात्सु फिल करते हैं। तो मारू और बात्सु में से सेकंड का इसमें कौन से आंसर्स मारू है कौन से बात्सु है वो मैं बताता हूँ। तो सेकंड का जो फर्स्ट है वो ऑप्शन है इसके अंदर बात्सु, और इसका जो सेकंड का सेकंड है ये आंसर है आपका मारू। इसके बाद थर्ड का जो आंसर है वो आपका मारू है, फोर्थ का जो आंसर है वो आपका बात्सु है, एंड फिफ्थ का आंसर भी आपका बात्सु ही। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी इसके अंदर बताए गए जो आपके आंसर्स हैं करेक्ट वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके फर्दर कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे देखिए फील फ्री, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर फील फ्री मुझसे कुछ भी क्वेश्चन जो है क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।